हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम टाटा 1212 गाड़ी के रियर वाले व्हील की ग्रीसिंग किस प्रकार से करते हैं, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आज हम इसकी ग्रीसिंग के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसके 6 स्क्रू निकाल दिए हैं और अब इसके हबब शाफ्ट को बाहर निकालेंगे। इसके हबब शाफ्ट को निकालने के लिए दोस्तों किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस होल पे स्क्रू ड्राइवर को फंसाइए, इसका हबब शाफ्ट आसानी से बाहर निकल जाएगा। अब इसके 2 चेक नट लगे रहते हैं, दोनों चेक नट को निकालने से पहले इसके लॉक को इस प्रकार से लॉक को फ्री कीजिए और आउटर वाले चेक नट को पुलर की मदद से खोलिए। उसके बाद इसके चेक नट लॉक को बाहर निकालिए। ये इसका चेक नट लॉक है दोस्तों, इस चेक नट लॉक को बाहर निकाल दीजिए। चेक नट लॉक के बाद इनर वाले चेक नट को निकालेंगे, इसे भी पुलर की मदद से निकाल सकते हैं। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से आसानी से निकल जाता है। तो इनर और आउटर 2 चेक नट लगे हैं दोस्तों इसमें, तो मैंने दोनों चेक नटों को निकाल दिया है। तो ये दोनों चेक नट निकालने के बाद इसके हब को हम आसानी से बाहर निकाल पाएंगे। हब को खींच लीजिएगा तो ये इसका बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने इसकी ग्रीसिंग करनी है, तो ये देखिए ग्रीसिंग करने का तरीका हम सीखेंगे। तो दोस्तों ये इसके बैरिंग बोरिंग पूरे साफ कर दिए हैं, अभी ग्रीसिंग बैरिंग में किस प्रकार से भरते हैं ये भी देखिए। तो ये आपका इनर बैरिंग है, तो हथेले की मदद से इसे बैरिंग में ग्रीस इस प्रकार से भरा जाता है। दोनों बैरिंग भर दीजिएगा दोस्तों इसी प्रकार से, और बैरिंग होने के बाद इसके हब में भी ग्रीसिंग को करना है। तो अभी इसके हब के अंदर ग्रीस को भरेंगे। ग्रीस को हथेली में लीजिए और चारों तरफ हब के चारों तरफ ग्रीसिंग को लगाइए। ग्रीस को इस प्रकार से बराबर राउंड शेप में भर दीजिएगा। ग्रीस भरने के बाद दोस्तों पूरा फिल कीजिएगा ग्रीस, और उसके बाद अंदर वाले कप को डालेंगे। कप डालने के बाद दोस्तों ये आपका इनर बैरिंग है, इनर वाले बैरिंग को फंसा दीजिए और बैरिंग के बाहरी कटोरी को डालेंगे। इसको अंदर की तरफ मुख रहेगा इस प्रकार से, और इसे फिक्स बैठा दीजिए। हल्का सा हैम्बर की मदद से इसे ठोक कर बैठा सकते हैं। यह आपका बैठ चुका है दोस्तों। अभी इसकी ऑयल सील को लगाएंगे। ऑयल सील में स्प्रिंग वाले हिस्से को अंदर की तरफ लगाएंगे इस प्रकार से लगा दीजिए, और हैम्बर की मदद से इसे हल्का हल्का ठोकने से ये बैठ जाता है। इस प्रकार से धीरे धीरे से इसे ठोकेगा तो हमारा ऑयल सेल, ये इनर वाला ऑयल सेल हमारा आसानी से बैठ गया। तो दोस्तों अभी हमने इसकी सीम को लगाना है। इसकी कटोरी के ऊपर दोस्तों 2 सीम लगे रहते हैं, उस सीम को ग्रीस लगाकर बैठा दीजिए। बराबर बैठाइएगा, कटोरी के ऊपर ही बैठा दीजिए दोनों सीमों को, और उसके बाद फिर इसके आउटर वाले बैरिंग को लगा दीजिए। तो दोस्तों बैरिंग लगाने के बाद हमारी पूरी कार्रवाई हो चुकी है। अभी हम इसे क्या करेंगे, इसे अभी हम पूरे हब को हम अभी बैठाएंगे इस प्रकार से।
दोनों हथेलियों से उठाइए और इसे बैठा दीजिए। अब दोस्तों इसके डिस्टेंस पीस को लगाएंगे। ये डिस्टेंस पीस इसका लग गया है, तो अभी इसके इनर वाले चेक नट को फिट करेंगे। इनर वाले चेक नट को लगाने का तरीका सुन लीजिए एक बार दोस्तों। इसे आप पुलर की मदद से या चिजल की मदद से टाइट कर सकते हैं। जैसे जैसे इसे चिजल की मदद से टाइट करेंगे तो एक हाथ से आप हब को घुमाकर देखिए। अगर हब घुमाने में आपको ज़्यादा टाइट लग रहा है तो फिर इसे उतना ही टाइट कीजिए, और हब को घुमाने से ही हमें पता चल जाता है कि हमारा चेक नट कितना टाइट हुआ है। उस हिसाब से आप चेक नट को टाइट कर सकते हैं। तो ये मेरा बिल्कुल टाइट हो चुका है दोस्तों। अब मैं इसके चेक नट लॉक को लगाऊंगा। चेक नट लॉक को लगाने का तरीका, इस वाले हिस्से को अंदर की तरफ इस खांचे में इस प्रकार से डालिएगा। बाहर को मत डालिएगा, अंदर को डालिएगा। कोई कोई क्या करते हैं, बाहर को डाल देते हैं, गलत प्रोसीजर है। तो आउटर वाले चेक नट को लगाएंगे। तो दोस्तों ये आउटर वाला चेक नट है, तो इसे भी हम चिजिल की मदद से टाइट कर देंगे। फुल्ली टाइट कीजिएगा दोस्तों, लूज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका सवाल है। तो ये हमारा फुल टाइट होना चाहिए, तो मैं ये चिजिल की मदद से फुल टाइट करूँगा। तो दोस्तों अभी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे दोनों चेक नट हमने लगा दिए हैं, और ये हमारे दोनों चेक नट हमारे अभी ये फुल टाइट हो गया। अभी हमारे लॉक के हिसाब से आएगा, तो हमारे इस लॉक को, एक लॉक आ गया हमारा, तो इस लॉक को हम लगा देंगे। तो ये हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी इसे लॉक को टाइट कर सकते हैं। तो ये लॉक को पक्का टाइट कीजिएगा दोस्तों। तो हमारा ये लॉक हमारा अभी क्या हो गया, लॉक भी लग गया है। तो हमारे दोनों चेक नट भी लग गए हैं और हमारा ये लॉक भी लग गया। अब दोस्तों इसके हब शाफ्ट को लगा देंगे, और उसके बाद इसके कवर को भी लगा देंगे। तो दोस्तों आज हमने टाटा के रियर वाले व्हील को हब ग्रीजिंग किस प्रकार से करते हैं इस वीडियो में सीखा है। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ। आपका टेक्नीशियन भाई गोविंद आपके साथ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।